शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी विस्तृत रूप से जानकारी चल रही है, हर लग्न कुंडली में लग्नेश अलग अलग भावों में हमें कैसा फल देता है, लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एपिसोड में आपको इस बात की जानकारी भी साथ में अवश्य दूं कि आप स्वयं घर बैठ करके उसका डिग्री वाइज बलाबल अवश्य चेक कीजिएगा। मैं बता दूं कि लग्नेश लगन में बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन हो सकता है आपका लग्नेश ही 0 डिग्री पड़ा हो सकता है लग्नेश 29 डिग्री पड़ा हो। तो जो मैं फल आपको विवेचन करने के लिए बता रहा हूँ, उसका डिग्री वाइज बलाबल आप स्वयं चेक कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कुंडली में कितने परसेंट उसके अच्छे या कितने परसेंट बुरे रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैं बहुत पहले से इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर देता आया हूँ, जो इस विद्या का मूल स्तंभ है, कि ग्रह कहाँ प्लेसमेंट में है ये देखिए, और ग्रह कितने अंश लेकर के बैठा है ये देखिए। ज़रूरी नहीं है कि योग कारक ग्रह सदैव आपको अच्छा फल दे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मारक ग्रह सदैव आपको बुरा फल दे। हो सकता है मारक ग्रह ही विपरीत राजयोग में आकर के आपकी ज़िंदगी का बेड़ा पार करने वाला हो। इस थ्योरी में आपको ये समझना अति आवश्यक होगा कि ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है। देव गुरु है, दानव गुरु है, ये ग्रुप है, वो ग्रुप है, इसे समझना छोड़ दीजिए। इसका विद्या के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका आपके दान पुण्य के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका आपके उपायों के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये कर्क लगन की कुंडली है तो आप शनिदेव के दान शुरू कर दीजिए। अरे भाई, हो सकता है शनिदेव ही विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर के आपको अच्छा फल देने में बाध्य हो। तो आपको विवेचन करने का सही तरीका सीखना होगा, आपको विवेचन करने का सही मेथड, सही ढंग देखना होगा कि कौन सा ग्रह आपको कैसा रिजल्ट देने वाला है। जिस हिसाब से भी आपका ग्रह आपको रिजल्ट देने वाला होगा, वो अच्छा रिजल्ट होगा या बुरा रिजल्ट होगा, आपको उसके हिसाब से उसके रेमेडियल मेजर्स यानी उपाय निर्णय करने होंगे। उपाय को निर्णय करने से पहले ये सदैव स्मरण रखिएगा कि आपको उस ग्रह को कुंडली में कितना डिक्रीज करना है या कितना इंक्रीज करना है। मैं ये मानता हूँ कि मारक ग्रहों को कभी भी इंक्रीज नहीं किया जाता। जैसे ये कर्क लग्न की कुंडली है तो यहाँ शनिदेव अति मारक हैं, बुध देव अति मारक हैं, इनको कभी एक्टिवेशन में नहीं लाया जाता। लेकिन अगर यही ग्रह कहीं विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर आपको अच्छा फल देने में बाध्य हुए तो कभी इनका डोनेशन भी नहीं किया जाता। ये बेसिक्स के थोड़ी आगे की बात है जो आपको समझनी है। ये बेसिकली रिसर्च की बातें हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कारक मारक तो आपको विस्तृत रूप से मैंने समझा दिया और आपको समझ में आ गए। ये उसके आगे के चैप्टर्स हैं जो आपको समझने हैं, ये सेकेंडरी फेज की बातें हैं। रिसर्च स्कॉलर कहना एक अलग बात है, आपके साथ सही रिसर्च साझी करना एक अलग बात है। तो यहां स्मरण रखिएगा कि ग्रह की प्लेसमेंट ये निर्णय करेगी कि वो अपनी दशांतर दशा में कैसा अच्छा या कैसा बुरा फल देने वाला है। ये सोच के आप शनिदेव के दान शुरू कर देंगे, मेरी तो जी कर्क लग्न की कुंडली है, मेरा तो शनिदेव पठाई बिठाएंगे इसलिए इसके दान शुरू कर, तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। ऐसी गलती करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है, ऐसी गलती से आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। हो सकता है शनिदेव ही विपरीत राजयोग की सिचुएशन में आ गए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य बैठे हों। तो किसी सही विद्वान की मदद ले लीजिएगा और ये जान लीजिएगा कि आपको कौन से दान पुण्य करने हैं, कौन सा पाठ पूजन करना है, कौन सा सिमरन करके आप अपना जीवन यापन अच्छा कर सकते हैं। तो आइए अपने लग्नेश की श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात करता हूं
कर्क लगन की कुंडली की। ये कर्क लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन भाव में ही यानी प्रथम भाव में ही चार नंबर लिखा है। चार नंबर कर्क राशि मानी जाती है जिसके स्वामी है चंद्रमा देवता। आपकी प्रियदर्शकों कुंडली में जहां भी पूरी 12 घरों में चार नंबर लिखा होगा उस घर के स्वामी चंद्रमा देवता बन जाएंगे क्योंकि चार नंबर कर्क राशि होती है, उसके स्वामी चंद्रमा देवता माने जाते हैं। तो चंद्रमा देवता अगर प्रियदर्शकों लगन में ही पड़े हों, चंद्रमा देवता लगन में पड़े हों, तो अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देंगे। जातक बहुत ज़्यादा प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाला होगा। जातक को जल्दी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। जातक बहुत ही एक मोहक पर्सनैलिटी वाला होगा जो दूसरे से बात करके बहुत अट्रैक्टिव जातक दूसरे को, जिसका कर्क लगन होगा वो खुद अट्रैक्टिव होगा, दूसरे सारे लोग उसकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाएंगे। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि डाली सप्तम भाव पे, तो सप्तम भाव के रिगार्डिंग भी हमें पूर्णतः चंद्रमा की दशा अंतरदशा में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। दाम्पत्य सुख अच्छा होगा, डेली वेजेस का नया नया रास्ता खुलेगा और पार्टनरशिप में भी सदैव चंद्रमा देवता लाभान्वित ही हमें करेंगे। लेकिन अपनी बेसिक कंडीशन जैसे हर रोज याद करवाता आया हूँ कि डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देख लीजिएगा कि चंद्रमा देवता कितने अंश का पड़ा है और कितने प्रतिशत आपको रिजल्ट देने वाला है। दर्शकों अगर चंद्रमा देवता दूसरे भाव में पड़े हों यानी सिंह राशि के पड़े हों तो परिवार पूर्णतः साथ देने वाला होगा। दूसरे भाव संबंधी भी उस जातक को पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जातक वाणी बहुत ज़्यादा मीठी बोलने वाला होगा। जातक की वाणी आम आदमी सुनना पसंद करेगा। परिवार पूर्णतः उसका साथ देने वाला होगा। वो जो भी कार्य करना चाहेगा परिवार सदैव उसके लिए सपोर्टिव पिलर बन के खड़ा होगा। धन की कमी उसे कभी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं से धन अर्जित सदैव होता ही रहेगा उसकी ज़िंदगी में। यहाँ से चंद्रमा ने जितनी दृष्टि अष्टम भाव पर डाली तो अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से अपनी मुश्किलों को दूर अवश्य कर लेगा और अष्टम भाव यानी रिसर्च का जो सीक्रेट नॉलेज का भाव माना जाता है, तो जातक कहीं ना कहीं रिसर्च करके जातक कई नॉलेज गेन भी अवश्य कर लेता है। तो अष्टम भाव संबंधी भी हमें सदैव पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं क्योंकि चंद्रमा एक योग कारक ग्रह है। दूसरे भाव में बैठ गया तो दूसरे भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से जितनी दृष्टि अष्टम भाव पर डाली तो अष्टम भाव संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट दे करके जातक का जीवन यापन आसान करने में, जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को दूर करने में ये चंद्रमा सदैव सहायक सिद्ध होगा। दर्शकों अगर चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में तीसरे भाव में पड़े हों, तीसरे भाव में पड़े होने से छोटे भाई बहन की सपोर्ट उसे अवश्य मिलेगी। जातक को ज़रूरत से ज़्यादा हर बात पे मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। जातक के बाजुओं में बहुत ज़्यादा बल होगा। जातक छोटी मोटी यात्राएं अवश्य कर लेगा। जातक हार्डवर्क से कभी घबराने वाला नहीं होगा, हर काम करने के लिए सदैव तत्पर होगा और नॉर्मल से ज़िंदगी ज़्यादा हार्डवर्क वाली उसकी अवश्य होगी। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, जातक धर्म को मानने वाला बहुत ज़्यादा होगा। जातक अपनी पिता की सपोर्ट के साथ चलेगा तो उसे अवश्य लाभ मिलेगा। जातक धार्मिक यात्रा करने वाला होगा। जातक विदेश यात्रा करके भी लाभ अवश्य लेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों ये बात याद रखिएगा कि जातक का हर काम में हार्डवर्क नॉर्मल से ज़्यादा होगा और नॉर्मल से ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही वो अपनी ज़िंदगी में कुछ गेन कर पाएगा। जल्दी अगर प्रभु को मानने वाला होगा तो प्रभु भी जल्दी उसकी सुनने वाले नहीं होंगे, उसके काम बहुत डिले होंगे, उसके बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद, बहुत ज़्यादा खपने के बाद तब जाकर के कहीं उसका भाग्य साथ देगा, तब जाकर के वो कोई चीज़ अचीव कर पाएगा, अटेन कर पाएगा और परमात्मा पे दोबारा आस्था बनाने में ये चंद्रमा देवता उसकी सदैव सहायता करते मिलेंगे। दर्शकों अगर चंद्रमा देव चौथे भाव में पड़े हुए, चौथे भाव में चंद्रमा देवता को दिशा बल मिलता है। ये प्रिय दर्शकों नॉर्थ दिशा मानी जाती है।
नॉर्थ दिशा कुबेर देव की दिशा होती है, जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो ये नोट कर लीजिए। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है। तो चौथे भाव में आया हुआ चंद्रमा देवता, उसको वहाँ पर दिशा बल मिलता है, जिसका भी चौथे भाव में चंद्रमा पड़ा होगा। सदैव अपनी दशा अंतरदशा में अगर चंद्रमा डिग्री वाइज बलाबल में हुआ तो माता से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी लेने में चंद्रमा की दशा अंतरदशा उस जातक को सदैव सहायता करती मिलेगी। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में सदैव जातक स्टेबल होता मिलेगा। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज संबंधी भी सदैव उसे एडवांटेज मिलेंगे। रोजी रोजगार के नए रास्ते खुल करके जातक अपने हार्डवर्क से अपने कामकाज को चला अवश्य लेगा। चंद्रमा देवता प्रिय दर्शकों चौथे भाव में आने से अपने मन को सदैव साफ रखता होगा, किसी के प्रति जल्दी राग द्वेष ऐसी भावनाएं वो नहीं लाता, क्योंकि चौथा भाव हमारे मन का भी होता है। तो जो भी चंद्रमा देवता जिसकी जातक की भी कुंडली में चौथे भाव में डिग्री वाइज बलाबल में हुआ तो चौथे भाव के संबंधी सारे एडवांटेजेस उस जातक को मिलेंगे और दशम भाव के संबंधी भी कामकाज के नित नवे रास्ते खोल करके चंद्रमा देवता उसे सदैव एडवांटेज देते ही मिलेंगे। दशम भाव में चंद्रमा देवता की जो दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो कामकाज संबंधी जातक को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रिय दर्शकों अब चंद्रमा देवता तो वही है, लगन भी वही है, लेकिन अलग अलग प्लेसमेंट में आने की वजह से चंद्रमा के रिजल्ट्स में कितना अच्छा या कितना कमी आई ये आपकी कुंडली निर्णय करेगी, आपकी कुंडली में वो कितना बलाबल लेकर के बैठा है। चंद्रमा अगर थोड़ा सा भी वीक हुआ आपको रिजल्ट उसके कम मिलेंगे, लेकिन अगर किसी ने कह दिया आपके पितर बिगड़े हुए हैं जी, आपकी तो लग्नेश की दशा भी रिजल्ट नहीं दे रही, तो ये बात निराधार होगी, ये बात शास्त्र सम्मत नहीं होगी। आप पहले ये देखिए कि अगर चंद्रमा आपका लग्नेश है वो डिग्री वाइज बलाबल में कितना कम हुआ, आपको उतने प्रतिशत उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो जैसा कि आपने जाना प्रिय दर्शकों, आज चार भावों में मैंने चंद्रमा की विस्तृत जानकारी दी। कल कोशिश करूंगा कि इसके आगे की जानकारी ऐसे ही आपको कंटिन्यू रखूं। आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए प्रिय दर्शकों, जिनका भी राहु और चंद्रमा कुंडली में मारक बन के एक ही भाव में पड़े हों, प्रिय दर्शकों मैं मारक वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ, हो सकता है वो 6, 8, 12 में पड़े हों या दोनों में से भी एक ग्रह नीच का पड़ा हो, यानी मारक बन के कहीं बुरे भाव में पड़े हों चंद्रमा और राहु देवता, आप उनके लिए कोई भी पेय जल, यानी आप कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ऐसा कोई भी जो राहु चंद्रमा का मिक्स दान माना जाता है किसी भी फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को पिला देते हैं तो चंद्रमा और राहु दोनों शांत होकर के आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार ज़रूर सिद्ध होते हैं। तो प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आज वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत देर से बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन्स ओपन कर दी हैं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में सीखने के इच्छुक हों वो हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म कलेक्ट कर लें और भर के हमें दे दें। इसका टाइमिंग शाम को 5 से 8 बजे के बीच रहेगा, आप 5 से 8 बजे के बीच आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और इस समाज का और अपने खुद का कल्याण करने में ये विद्या आपको सहायक सिद्ध हो। दर्शकों इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके विस्तृत रूप से इसकी कोई भी क्वेरी हो आपकी वो पूछ सकते हैं ताकि आप सही मायने में इस दिशा से लाभ उठा सकें। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की ओर से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 25/11/2012 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर ज्योतिषों द्वारा किया जाएगा।
हैं।